कोयटा के सह जियारत देखे बगैर मुमकिन नहीं। जियारत कोयटा से 3 घंटे की दूरी पर वाकिया है। जियारत को छुट्टियां गुजारने के लिए एक पसंदीदा मुकाम समझा जाता है। यहाँ दुनिया का एक पुराना जंगल मौजूद है। कहा जाता है इस जंगल के कुछ दरख्त 5,000 साल से 7,000 साल तक पुराने हैं। जियारत का मतलब है मजार। यहाँ एक बुजुर्ग का मजार है जिन्हें खरवारी बाबा कहा जाता है। लोगों का मानना है कि इस मजार की बदौलत जियारत को मुकद्दस समझा जाता है। जियारत एक जिला है जो कि एक मशहूर हिल स्टेशन है। जियारत बलूचिस्तान के शुमाल में वाकिया है। कमोबेश कोयटा की सैर को आने वाले अक्सर लोग पहले जियारत ठहरते हैं। जियारत एक खूबसूरत मुकाम है जिसकी खूबसूरती सयाहों के दिलों को मोह लेती है। लंबे घने जंगल, खूबसूरत नदियाँ, हरे भरे खेत किसी जन्नत का नजारा पेश करते नजर आते हैं। जियारत एक खूबसूरत तफरीही मुकाम है। यहाँ की मकबूलियत की एक अहम वजह यह है कि जियारत बानी पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिना की आखिरी आराम गाह रही है। जियारत रेजिडेंसी एक अहम इमारत है जो कि मुकम्मल तौर पर लकड़ी से बनाई गई है और फन तामीर का बेहतरीन नमूना पेश करती है। हकीकत में ये बिल्डिंग एक क्लिनिक हुआ करती थी। बाद में यहाँ गवर्नर जनरल गर्मियां गुजारने के लिए आते रहे, लेकिन अब ये बिल्डिंग एक यादगार के तौर पर है। कायदे आजम के ये रिहाइश का सयाहों को अपनी खूबसूरत फन तामीर की तरफ खींच लेती है। जियारत शहर अपनी तेल वाली सनोबर जंगलों के लिए बहुत मशहूर है। जरगून के पहाड़ी जंगलात दुनिया के दूसरे बड़े पहाड़ों में आते हैं। ये जंगलात जियारत की असल दौलत है। ये जंगलात तकरीबन 2,47,000 एकड़ जगह कवर करते हैं। यहाँ मुख्तलिफ अकसाम के जानवर, परिंदे और पौधे हैं। इस जंगल में कुछ निहायत पुराने दरख्त हैं जो कि 5,000 से 7,000 साल तक पुराने हैं। सर्दियों में जब बर्फबारी होती है तो फिर यहाँ की खूबसूरती देखने से लायक रखती है। ये इलाका गर्मियों और सर्दियों के फलों के लिए इंतहाई मशहूर है, जिनमें चेरी और सेब सबसे ज्यादा मकबूल हैं। जियारत के शहद बहुत मशहूर है। मौसम गर्मा में मौसम निहायत दिलकश हो जाता है, लेकिन मौसम सर्मा में इस इलाके में सर्दी शदीद हो जाती है। जियारत की आबो हवा का जहाँ तक ताल्लुक है तो जियारत का मौसम निहायत दिलकश और शानदार होता है। यहाँ आने वाले सयाह चाहे मौसम सर्मा में आए या मौसम गर्मा में, जियारत अपने खूबसूरत नज़ारों से उनका इस्तकबाल करता है। जियारत सतह समंदर से काफी बुलंदी पर वाक़ है, लेकिन मौसम गर्मा में भी यहाँ का मौसम निहायत ठंडा, दिलकश और हसीन होता है। मौसम सर्मा में यहाँ शदीद बर्फबारी होती है। यहाँ गर्मियों में हल्के ऊनी जबकि सर्दियों में भारी कपड़े पहने जाते हैं। जियारत के लोग और उनकी सकाफत। जियारत की ज्यादातर आबादी पश्तून है। यहाँ से गुजरते हुए अक्सर कबीले खिजां और बहार के मौसम में जियारत में वक्त गुजारना पसंद करते हैं। जियारत की खवातीन का लिबास निहायत सादा और उम्दा होता है। औरतें अमूमन शलवार और लंबे कुर्ते पहनती हैं, साथ में एक खूबसूरत चादर से खुद को ढांपे हुए होती हैं। आदमी शलवार और लंबी कमीज के साथ वेस्ट कोट पहनते हैं और सर पर तुर्बन बांधते हैं। जियारत में बोली जाने वाली जबानों में अहम जबाने इंग्लिश, उर्दू और पश्तो हैं। जियारत के अक्सर लोग पश्तो जबान बोलते हैं। जियारत एयरपोर्ट। जियारत में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो जियारत से 15 मिनट की दूरी पर वाकिया है। पीआईए की परवाजें आपको पाकिस्तान के हर शहर में आसानी के साथ पहुंचा देती हैं, जैसा कि कराची, लाहौर, इस्लामाबाद,
بین الاقوامی پروازیں زیارت سے لندن اور ایمسٹرڈیم تک جاتی ہیں۔ زیارت میں آنے اور زیارت سے جانے والے اکثر لوگ ایک شہر سے دوسرے شہر میں جانے کے لیے ٹرینز کا انتخاب کرتے ہیں۔ زیارت میں روزانہ بہت سی ٹرینز پاکستان کے دوسرے شہروں کے لیے روانہ ہوتی ہیں۔ زیارت آنے والے اور زیارت سے جانے والے اکثر سیاح ٹرین کے سفر کو ترجیح دیتے ہیں، جبکہ زمینی راستہ خاصا طویل ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ٹرین کا سفر سیاحوں کو پسند آتا ہے۔ زیارت کے خوبصورت نظارے ان کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ زیارت آنے کے لیے کراچی سے نائٹ کوچ بولان میل روزانہ 5 بجے روانہ ہوتی ہے۔ ایک اور سلیپر ٹرین کوئٹہ ایکسپریس سے نکلتی ہے، جو کہ 33 گھنٹے کا نان سٹاپ سفر کرتے ہوئے راول پنڈی پہنچتی ہے۔ پھر وہاں سے 29 گھنٹے کی مسافت طے کر کے لاہور، اور وہاں سے 24 گھنٹے کے سفر کے بعد اگلے دن 5 بجے کوئٹہ پہنچتی ہے۔ اس کے علاوہ افغانستان سے آنے والی ایک ٹرین چمن بارڈر سے روزانہ 2 بجے روانہ ہوتی ہے، اور شام 6:30 بجے زیارت پہنچ جاتی ہے۔ ایک بین الاقوامی راستہ بھی زیارت سے طے کیا جاتا ہے ٹرین کے ذریعے، جو کہ زاہدن ایران کے شہر سے 3 اور 17 تاریخ کو ہر مہینے نکلتی ہے، جسے اگلے دن 3:30 بجے پہنچنا ہوتا ہے کوئٹہ۔ زیارت سے ہائی وے ملتا ہے کراچی اور کوہ طوفان سے تہران، ایران، سبی سے آنے والے روڈ پنجاب اور سندھ سے ملتے ہیں۔ لورالئی، فورٹ مونرو، ڈی جی خان اور ملتان سے ایک چھوٹا رستہ پنجاب کو جاتا ہے۔ چمن روڈ پاکستان اور افغان کو ملانے کا ذریعہ ہے۔ جو سیاح زیارت کی سیر کو آتے ہیں، وہ اپنا دل زیارت میں ہی چھوڑ جاتے ہیں۔ زیارت کی خوبصورتی، زیارت کے خوبصورت مناظر، اس کے دلکش نظارے اپنے سیاحوں کے دلوں کو ایسے جیت لیتے ہیں کہ جانے والے لوٹ کر دوبارہ زیارت کی سیر کو ضرور آتے ہیں۔